ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि मतलब रात में आराम से बैठे हैं, काम हो रहा है, काम कर रहा है, ये एक्सपीरियंस कैसा है? तो समझ देखेंगे चीज़ें दिमाग घूम रही है। अच्छे से लगा स्टेंसिल अच्छे से आपने पहली क्लास ली? Yes, sir. अच्छा ये बताइए हमारी रिवॉल्विंग की क्लास थी? Yes, sir. अब रिवॉल्विंग किस किस का डन हुआ? मेरा हुआ. Yes, sir. किस किस का डन हुआ? Yes, sir. सबका डन हुआ? Yes, sir. ऐसा कोई बंदा जिसका डन नहीं हुआ हो? Yes, sir. सबके डन हुए? Yes, sir. चलिए सेकंड आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपको देव सर मिले? Yes, sir. पहली क्लास थी देव सर के साथ? Yes, sir. उनके साथ पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा था? पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। अच्छा नॉलेज की कोई कमी? नहीं सर। ऐसा कि यूट्यूब वाला नॉलेज मिला हो आपको? नहीं सर। इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना घर से आने के बाद यूट्यूब वाला नॉलेज मिला क्या? नहीं सर। बताइए किसी तरीके का मिला? नहीं सर। अच्छा आपको जो कंपोनेंट का जो सही जानकारी थी वो क्या इससे पहले कभी थी क्या? नहीं सर। घर पे थी क्या? नहीं सर। या इसके पहले हम समझ पा रहे थे कंपोनेंट को? नहीं सर। अब ये बताइए कि प्रैक्टिकल क्लास में किस किस ने प्रैक्टिकल किया यहाँ पर? 100 out of 100? Yes, sir. कितनी बजे आते हैं मॉर्निंग में? 7 बजे सर। थोड़ा विश्वास कम हो रहा है यहाँ पर लोगों को। 7 बजे आते हैं और अभी टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए। तो हम पूरा टास्क खत्म करके बैठे हैं ना यहाँ पर, कि मतलब आप मतलब आधा अधूरा रह गया और हम उठ गए यहाँ पर? टास्क पूरा खत्म किया ना उसके बाद उठे ना हम? चलिए ठीक है,
तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। सोनू जौनपुरी। सोनू, ये बताइए कि मैं आपसे खाली तीन चीज़ पूछूँगा। आज आपकी क्लास, जो आपने क्लास सवेरे ली है, क्या इसके पहले आपको ये काम जानते थे? नहीं सर। आपने जो रिबोलिंग की है वो डन की है? यस। अच्छा, तीसरी चीज़ ये पूछूंगा, कंपोनेंट का क्या इसके पहले इतना नॉलेज था आपको? नहीं सर। अभी क्या नॉलेज है? अभी नॉलेज। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इधर आ जाइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर, दुर्गेश नाम है मेरा, जालना महाराष्ट्र से हूँ मैं। दुर्गेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी बताइए। सर, इसके पहले मैंने कभी कंपोनेंट पे का कोई भी मोबाइल का आईसी लेवल पे काम नहीं किया। अच्छा। ना ही कभी मैंने कोई ट्रैक चेक किया। ओके। आज के दिन मुझे पूरा सिखाया गया सुबह से शाम तक कि मोबाइल को कैसे चेक किया जाता है, कंपोनेंट पे कैसा काम किया जाता है। तो अभी सारी स्किल से हम डन है? डन है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर, मेरा नाम दीपक यादव है, मैं छत्तीसगढ़ जिला खान की मरीज हूँ। तो दीपक, ये बताइए मुझे, क्या आज के पहले कभी ये जो आज आपको नॉलेज मिला है, पहला दिन था आपका क्लास में, जी सर, क्या आज से पहले कभी आपने स्टेंसिल को छुआ था क्या? जी नहीं सर, इससे पहले तो और कभी नहीं छुआ था, आज तो रिवॉल्विंग किया। अच्छा, डन हुआ है आपसे? यस सर। अच्छा, विदाउट मतलब कोई टीचर ने आके पकड़ के तो नहीं करवाया ना, कि आपने आपके मन से करा? आपने अपने मन से किया। सेकंड टाइम आप ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो कंपोनेंट की क्लास थी, वो पूरी कंपोनेंट की क्लास आपकी डन हुई कि नहीं हुई? हुआ है सर, डन। जो कंपोनेंट वन की क्लास थी पूरी डन है? यस। बाय थ्योरिकली की प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सामने, तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम साजिद खान है। जी साजिद बताइए। मैं बरेली से हूँ। ओके। ऐसे रिवॉल्विंग की क्लास थी और कुछ कंपोनेंट की क्लास थी, हाँ, पूरी तरीके से डन हुई। इससे पहले मैंने कभी ऐसे वर्क नहीं किया था। ओके। आज पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा और पूरी तरीके से डन हुआ, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आई। ओके। यहाँ टीचर है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बंटी गोस्वामी। जी। आज रिपोलिंग हुआ है जी एम सी का। ओके। बड़ी बढ़िया तरह से हुआ है और मुरली साथ जी था प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में दोनों को दिखाया, बहुत बढ़िया था। ऐसे लोगों का धन्यवाद, ऐसे पहली बार कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको? किसी प्रकार दिक्कत है, एकदम पूरा सक्सेस है, वेल डन। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। कौशिक माझी है। जी सर, आज MMC का रिबोलिंग पहली बार किया हूँ। ओके। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। पहली बार ऐसे का काम कर रहा हूँ सर। कंपोनेंट का बहुत अच्छा से नॉलेज दिया है। ओके। 5 मिनट में कोई भी कंपोनेंट पहचान लूँगा। ओके। बेस्टा उसका लो वैल्यू हाई वैल्यू पहचान। चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। सर, मेरा नाम है सौरभ दास। ओके। बंगाल। ओके सौरभ, बताइए। सर, आज पहली बार अपनी जिंदगी की पहली बार मैंने ऐसी रिबॉलिंग की है। अच्छा। मुझे बहुत मज़ा आया और सर रजिस्टर और सर कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली और प्रैक्टिकल। जी सर, देव सर ने बहुत अच्छा क्लास दिया, रात में भी सर बहुत मज़ा आया। हाँ सर, तो अपन जब अगर अभी घर जा रहे हैं हम, अगर हम सवेरे 7 बजे से क्लास में बैठे हैं और रात के 9 बजे घर जा रहे हैं, है ना, तो 7 से 7 कितनी 12 और 2 14 घंटे की क्लास करके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद कुछ डाउट लेके जा रहे हैं क्या? नहीं सर, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है। ऑल द बेस्ट। यस सर। ऑल क्लास आपकी ऐसी जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट वन माय स्टूडेंट, थोड़ा इनको जगह दीजिए, सेंटर दीजिए। हाँ, आप खड़े रहिए, भले सामने साइड में खड़े रहिए। मेरा नाम राहुल गुनोर है, महाराष्ट्र पुणे से हूँ। ओके। मेरे को बेसिक कंपोनेंट की जानकारी नहीं थी, असेंबली, माइक्रोस्कोप। ओके। ओके। हॉट गन कैसा कैसा पकड़ना। ओके। मतलब बेसिक से पूरा नॉलेज मिला आज, और कंपोनेंट के रजिस्टर कैपेसिटर ये कुछ जानकारी मिली। ओके। बहुत अच्छा लगा इसमें। बहुत अच्छा लगा। ओके। तो अभी कंपोनेंट की कोई अगर समस्या होगी तो कोई रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो बाय थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली सारा क्लियर हुआ हमारा? सारा क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, हो चुके हैं आपका। चलिए आ जाइए, एक और स्टूडेंट है हमारे साथ वेस्ट बंगाल के, प्लीज़ नाम बता दीजिए अपना। सर, मेरा नाम अजीज खंडेकर है। जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी अजीज, ये बताइए मेरे को कि एशिया टेलीकॉम में आज से पहले कभी आईसी लेवल पे काम किया था आपने? नहीं सर, आईसी लेवल पे काम नहीं किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और देव सर का जो मैं थियोरी क्लास किया हूँ उसका सब प्रैक्टिकल भी किया हूँ, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और एमडी सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस के बारे में अच्छा जानकारी दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आ जाइए, आते जाइए, प्लीज आइए।
तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम सलमान है, मेरठ से हूँ। ओके जी, तो मैं रिबोलिंग तो कर लेता था पर मुझे कंपोनेंट की इतनी जानकारी नहीं थी। ओके, तो रिबोलिंग में हमको नई चीजें मिली है, रिबोलिंग में हैंड स्किल को और अपडेट हुआ है, और अपडेट हुआ है, तुमसे नॉलेज मिली है। ओके, कैसे उतारना है उसको, कैसे लगाना है। ओके, कैसे उसको साफ साफ करना है। ओके ओके, और कंपोनेंट के बारे में जानकारी इतनी नहीं थी कि कैपेसिटर क्या काम करता है, वोल्टेज को क्लियर करता है। तो अब ये बताइए मुझे कि अगर हमारे पास अगर स्टूडेंट आता है तो ये मान के चलिए कोई खाली हाथ जाएगा क्या यार? नहीं सर। पहला दिन का आउटपुट कैसा है क्लास का? बेस्ट आउटपुट। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो थोड़ा दो तीन चार जने आते जाओ इधर। चलिए, मेरा नाम ओंकार राजेकर है जी। ओंकार कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? भाई महाराष्ट्र से बहुत लोग देख रहे हैं आपको, थोड़ा आते ही। हाँ, महाराष्ट्र से बहुत लोग देख रहे हैं आपको। यस सर। तो महाराष्ट्र से नासिक से हैं? नासिक से। नासिक से, तो नासिक से हैं, महाराष्ट्र से आप, तो आज आपका पहला दिन था। हाँ, क्या हाँ। आज से पहले कभी आईसीयू पे काम किया था आपने? नहीं सर। रिबोलिंग किया था? नहीं सर। आपने डन किया है रिबोलिंग? यस सर। मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, रिबोलिंग के आज। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ इसके बाद देव सर के साथ क्लास थी आपकी कंपोनेंट की? यस सर। तो कंपोनेंट का क्लास का टाइप कैसा रहा सर के साथ? बहुत अच्छा था, मुझे उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी बताया था। ओके, प्रैक्टिकल करके बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हमारी ज़्यादा दिमाग में आती है। ओके सर। तो अभी हमारा कंपोनेंट वन और कंपोनेंट वन की क्लास का पूरा डाउट क्लियर है हमारा? यस सर। अगर मैं बोलूँ आपसे कि थर्मिस्टर ढूंढ के बताना है तो बता सकते हैं आप? यस सर। किसी भी रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बता सकते हैं? यस सर। वो लो वैल्यू हो चाहे हाई वैल्यू हो। यस। कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के आते हैं। यस। तो हमने आईफोन तक के कैपेसिटर चेक किए ना यहाँ पर? यस सर। हमने आईफोन के भी कैपेसिटर चेक किए ना यहाँ पर? यस सर। तो रिजल्ट मिला हमको? मिला सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, नाम बता दीजिए अपना। हरिदास चौहान है जी। ओके, तो हरिदास ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, तो बताइए आपका क्लास कैसा रहा पहला दिन? मजेदार में, मतलब क्या बताना चाहेंगे आप? सर रिबोलिंग सीखे जो है। ओके, और कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली जो है। ओके, रजिस्टर। ओके ओके, और देव सर के साथ जो है जी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। थ्योरी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, तो सारा काम प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं कि थ्योरी पढ़ा के और कॉपी भर के घर पहुँचा रहे हैं आपको? प्रैक्टिकल होता है, पूरा प्रैक्टिकल। अभी किसी प्रकार का कंपोनेंट वन में किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो तीन हज़ार, चलो अंदर आती है। चलिए मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। सावन जी मांगे। तो सावन, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, बताइए मुझे। सर आज से पहले कभी स्टेंसिल और रिबोलिंग तो नहीं किया था मेमसी का। अच्छा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, और फर्स्ट टाइम ही मैं रिबोलिंग अच्छे से कर सकता हूं। डन हुआ हमारा जो। चलिए, और कैपेसिटर का नॉलेज तो नहीं था मेरे को। हाँ, आज देव सर कैपेसिटर का नॉलेज अच्छे तरीके से दिए। ओके, और अच्छे तरीके से बताएंगे, मतलब सरल तरीका से, जो कि ओके अपने आगे काम आएगा। ओके, तो अभी ये बताइए मुझे कि क्लास हमारा जो पहला दिन का था, वो पहला दिन का क्लास कैसा है हमारा? सब पढ़ाने का तरीका कैसा है, यहाँ टीच करने का तरीका क्या है? देखो ना, आपको देख रहे हैं, और झारखंड से कोई स्टूडेंट अगर आना चाहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? वो जरूर है स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट दिन का ही क्लास मेरा इतना अच्छा था कि मैं सोचा ही नहीं था कि इस टाइप से क्लास हो पाएगा करके। ओके, फर्स्ट दिन ही मैं रिकॉल करना सीख गया। ओके, और आगे और बहुत सारी चीज़ सीख समय सब उम्मीद है मेरे को। चलिए ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ वही छत्तीसगढ़ के एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ जिला बेमेतर से हूँ। ओके, मेरा इंस्टीट्यूट में पहला दिन, और पहला दिन ही बहुत अच्छा गया मेरा। ओके, मेरे को स्टेंसिल से रिबोलिंग करना नहीं आता था, वो एक ही दिन में सीख गया मैं। ओके, एमसी को, और प्लस कंपोनेंट की जानकारी नहीं थी मुझे। ओके, अभी आ गई आसानी से। आसानी से आ गई, तो सारा काम अपन प्रैक्टिकली किया। पूरा प्रैक्टिकल है सर, पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा 100 आउट ऑफ 100 प्रैक्टिकल। 100 सर 200%। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बता दीजिए, आप कहाँ से? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी। नाम देवज्योति गिरी है। ओके सर, आज आईसी और आईसी रिबॉलिंग और कंपोनेंट का क्लास था। ओके, जो मेरा फुल्ली डन हुआ। ओके, यहाँ का सब टीचर बहुत हेल्पफुल है और बहुत सपोर्टिव है। ओके, जो मेरा आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, सब डन हुआ अच्छी तरीके से, ठीक है, मतलब फीडबैक अच्छे से मिला। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आते जाइए, वापस आ जाइए, क्लब हो जाइए साथ। मेरा नाम सौरभ सोनी है और मैं मध्य प्रदेश से, दीसा डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और मैंने आज आईसी रिबोलिंग करना सीखा। ओके, मिनिमम
फाइव से सिक्स टाइम मैंने आईसी को रिवॉल्व किया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। ओके। दूसरी बात, यहाँ पर कंपोनेंट का नॉलेज ही अच्छा मिला। ओके। कैपेसिटर के बारे में जानकारी, रेजिस्टर के बारे में जानकारी। ओके। और भी कई प्रकार की ऐसी जानकारी जो मतलब और कहीं से नहीं मिल पाए मुझे। ओके। काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो मुझे आज मिल पाया। ओके। देव सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, कौन है बाकी बच्चे, बस अभी इधर आ जाओ भाई। मेरा नाम सुमित है, महाराष्ट्र से हूँ। जो बाकी बच्चे जी, तो सुमित ये बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, बहुत दूर से आए हो, चाहते तो मुंबई जा सकते थे, पुणे में भी इंस्टीट्यूट है, तो पूना छोड़ के जबलपुर शहर में कैसे आप? सर मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे सब, और जो आपने ऐसा यानी छुपाया नहीं था कुछ भी उसमें। ओके। यानी आपने जो पहली बैच थी उनका नंबर वगैरह सब दिया था। ओके। तो उन्होंने भी मुझे पॉजिटिवली सब ये किया। ओके। सपोर्ट किया और अच्छा है बताया उन्होंने, और आ जाने के बाद लग रहा है बहुत बढ़िया है। अच्छा। और आपने एक डर खत्म कर दिया हमारा। ओके। क्योंकि आज ये आप यूट्यूब पे भी ले रहे ना, थोड़ा हम डर रहे थोड़ा। हाँ, अच्छा। आज बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम कुछ सभी कर रहे हैं उसमें। हाँ, यानी सभी बच्चे डर रहे थे पहले। अच्छा। और आज बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि एक डर खत्म हो जाएगा। तो एशिया टेलीकॉम का यूजर फ्रेंडली माहौल है कि नहीं? बहुत बढ़िया है सर, बहुत यूजर फ्रेंडली है कि नहीं? जो देव सर है, देव सर जो यहाँ का मैनेजमेंट है देव सर का, वो किस लेवल का और उनकी पढ़ाई किस लेवल की है? आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए जिनका अंडर यहाँ पर यहाँ का बेस्ट टीचर है वो। बहुत बढ़िया है सर, पहले दिन ही आपने डर खत्म कर दिया हमारा कि इसमें क्या स्टेंसिल वगैरह कैसा यूज करना है, क्या करना है, वो यानी आईसी रिबॉलिंग कैसा करना है, पहले ही दिन ही डर खत्म हो गया। और okay. आपके भी सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। okay. देव सर का भी बहुत ही बढ़िया है जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आते ही बाकी आ जाओ सर। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बता दीजिए। आते हैं। ओके। मैं एमटी से हूँ। ओके। आज हमारा आईसी रिबॉलिंग का दिन था। ओके। पहला दिन था, आज ये कंपोनेंट वगैरह की जानकारी दी है, रेजिस्टेंस डायट वगैरह की। ओके। अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि आज से पहले कभी रिबॉलिंग करी थी आपने? नहीं सर। अभी स्टेंसिल को छुआ था आपने? नहीं सर। अच्छा, काम डन हुआ आपका? जी। आपसे डन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, ये पूरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे डन नहीं हुआ हो? सभी से डन हुआ। कॉन्फिडेंस के तौर पे? सभी से डन हुआ। चलिए, और अभी कंपोनेंट की अब नज़रिया कैसा है मदरबोर्ड में कंपोनेंट को देखने का? पहचान जाएंगे, एक बार पहचान जाएंगे। एक बार में पहचान जाएंगे, अगर थर्मिस्टर आता तो ढूंढ लेंगे हम किसी भी बोर्ड में। डायग्राम खोलना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का जी? बस। चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए, तो हमारे साथ चलो। सर मेरा नाम मुजाहिद आलम है, मैं बिहार से हूँ, और एशिया टेलीकॉम में आके बहुत अच्छा लगा काम करने का जी। इससे पहले मैं आईसी रिबॉल नहीं कर पा रहा था, मैं कभी देखा था कैसे होता है, मगर यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, और एक बार में आईसी रिबॉल डन हो गया सर। ओके। ओके। देव सर के साथ आपको जो कंपोनेंट वन की क्लास मिली उसका नॉलेज कैसा था? अच्छा लगा सर, प्रैक्टिकल भी था, थ्योरी भी था, दोनों था, अच्छा लगा सर। ओके। उसके बाद सारा प्रैक्टिकल था हमारे पास, हम 3 बजे से अभी रात के 9 बजे तक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, 6 घंटे से क्लास चल रही है। यस सर। और 3 से 4 घंटे की क्लास हमारी मॉर्निंग में भी थी। यस सर। है ना, 7 से 10 बजे तक की 3 घंटे और 6 घंटे, 6-3 9 घंटे पढ़े हमने। यस सर। 9 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल किया हमने, और बाकी टाइम हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल था। यस सर। पहले सर मेरा हैंड स्किल बिल्कुल कमजोर था। ओके। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हैंड स्किल थोड़ा मजबूत हो गया। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो, और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो, और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में